देखो ये आंटी जी देखो पानी खींच रही है। अच्छा हाँ वो तो उसके अंडर में वो तो मालिक का कुआ है तो उसमें उसमें सब बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। तो आप तो ये बताओ कि सरकार से क्या मांग करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? एक तो मांग रहा है खरंजो। अच्छा एक नंबर तो खरंजो, एक नंबर ट्यूबवेल चालू हो। अच्छा दोनों काम तो मत जो पाके खून जांचो ट्यूबवेल लगवा दूजे माल लग रही करार में वो में। अच्छा आज ढक्कन लगाया को नहीं खोलवा नहीं आयो। अच्छा तो मतलब वो तो बंद है खराब है ये आज तो ढक्कन नहीं खोलियो वो कायम नहीं डालियो ही गुनिया। अच्छा 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 अच्छा। हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा का राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज पहुंचा हूं मैं, गांव कौन सा है? मन्याखेड़ी। तो मन्याखेड़ी तो वो भी है और वो भी है, एक ही गांव है। तो फिर तो इसमें कुछ अंतर तो पड़ रहा होगा। खो ये उनका गांव का नाम है। और मैं इस जगह पे आया हूँ तो मुझे यहाँ कुछ गांव वालों ने कुछ परेशानी का जो बताया है मेरे को, तो मैं इस वजह से आया हूँ। आप पहले आपको मैं गांव दिखाता हूँ, गांव कैसा है यहाँ का देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये गांव है, बिल्कुल कच्ची बस्ती है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस पोजीशन में हैं कि अपने लिए पर्सनल होल नहीं करवा सकते हैं या कुआ नहीं खुदवा सकते हैं। और ये लोग समस्या बता रहे हैं कि जिस जगह पे जो कुआ है उस कुएं में पानी भी कम है। इसी कुएं से यहाँ गांव के सब लोग इसी से पानी पीते हैं। देखो ये आंटी जी देखो पानी खींच रही है। अच्छा आंटी जी बताइए, आप जैसे आप बताइए कि आप पानी कहाँ से पीते हैं? इसी से पीते हैं? हेड पंप नहीं है? पहले गवर्नमेंट ने बनवाया हो? पहले कभी नहीं बना? अच्छा सड़क भी नहीं है आपके? अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो आपके रोड की परेशानी है, रोड की परेशानी, सबकी परेशानी है। और हेड पंप भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा मोटर लगवा ट्यूबवेल जे मोटर का नहीं पानी। अच्छा ढक्कन लगा के साल हो गया जो में। अच्छा आज ढक्कन लगाया नहीं खोलवा नहीं आयो। अच्छा तो मतलब वो तो बंद है खराब है? आज तो ढक्कन नहीं खोलियो वो काई में डालियो ही गुनिया। अच्छा 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 होल किराया बता दो। अच्छा पठार पर। अच्छा पठार पे है वो? अच्छा तो जैसे ये कुआ आप में अभी देख रहे हैं इस कुआ को, तो ये कुआ कोई गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब कोई घर है ना? घर है ना? अच्छा बिल्कुल सही है। पानी तो अच्छा अच्छा सबकी। क्यों बेटा पढ़वा नहीं जाओगे? अच्छा पढ़वा जाओगे नहीं जाओ आप पहले बताओ। थोड़ा बहुत तो पढ़िया होगा? नहीं पढ़िया बिल्कुल भी। साल का साल दुनियादारन का कमरा आवे मारा कमरा ममरा काई भी नहीं चुचुरी रखा नहीं। जैसे वो तो आपके घर पे चल के आपकी बात आपके घर पे करेंगे, बाकी अभी पानी की समस्या तो पानी के बाद। अच्छा अच्छा बेटा पढ़ने जाते होंगे ना आप? पढ़ने जाते हैं? कौन सी में पढ़ते हैं? आठवीं में पढ़ते हैं। अच्छा तो जैसे अभी जैसे आप पानी पीते हैं तो कहाँ से पीते हैं? इसी कुएं से। हेडपम्प नहीं है? आपने हेडपम्प देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा कभी? हेडपम्प ही नहीं देखा? हाँ है ही नहीं गांव के अंदर, हेडपम्प ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से? अच्छा कभी देखे कोई कहाँ? हाँ हाँ ये बोर्ड पड़ेगा नहीं जब देखो सरपंच खा बना दिया। अच्छा जब देखो बोर्ड भी नहीं खावा देगा पानी भी नहीं पीवा देगा खा भी नहीं करवा। अच्छा बोर्ड के टाइम पर आते हैं? हाँ बोर्ड के टाइम पर तो थाना गया और दूसरा गया और तीसरा गया। अच्छा अगर पानी नहीं पीवा देगा रोटी नहीं खावा। अच्छा ऐसे नहीं आएंगे कोई भी? अच्छा जरूर नहीं आते।
अच्छा अच्छा हाँ वो तो उसके अंडर में वो तो मालिक का कुआ है, उसमें उसमें सब बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। और नहीं तो गैल का भी नहीं, गली गली में खरंज होगा सब दूर। नहीं तो आप तो ये बताओ कि सरकार से क्या मांग करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? एक तो मांगता है खरंजो, अच्छा एक नंबर तो खरंजो, एक नंबर ट्यूबवेल चालू हो, अच्छा दोनों काम तो होना चाहिए। मतलब एक तो सड़क, एक तो सड़क है ना, और एक क्या ट्यूबवेल, ट्यूबवेल चारे के पानी इतनी बस्ती है, पूरी बस्ती में चल जाओ, अच्छा पूरी में पानी भीग गया, ये कुआ से पानी भर भर हम डाल रही है, कुआ से पानी वहाँ पी रही है, लोग क्या कर रही है मोटर। अच्छा तो जैसे पानी रोटी का और पानी का काम तो लेडीज लोगों का होता है ना, तो परेशानी तो आपको ज्यादा है, आदमी को थोड़ी है, आदमी को नहीं आ रही, लेडीज को परेशानी आ रही है। वो गेल बंद कर दिए तो फिर दूसरा कुआ पे जामा, अच्छा फिर भागड़ा काट दिए तो तीसरा का पे जामा। भाई साहब बहुत मदद हो रही पानी, अब गाँव में सबको व्यवस्था हो रही है, खूब पानी लगा रही हो और नल से दमक दे घरों घरों, मांगे काई में नहीं। ठीक देखो दोस्तों, ये मैं यहाँ पे आया हूँ मन्ना खेड़ी गांव में, तो इन लोगों ने ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या एक तो सड़क की बताई है और दूसरी समस्या बताई है इन लोगों ने पानी के बारे में। ये इस आंटी जी ने बोला है मेरे से कि हमारे यहाँ पर ना तो कोई हेडपम्प है, ना कोई ट्यूबवेल है, ना कोई नल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ना तो नल है ना हेडपम्प है, किसी प्रकार का सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो आला अधिकारी है, जो यहाँ के विधायक है, जो सब अपनी नींद में सोए हुए हैं, और जो भी आते हैं यहाँ तो मात्र वो वोट के टाइम पर आते हैं। अच्छा विधायक कभी आपके यहाँ पे आया कि नहीं आया? विधायक कभी नहीं आया, जिंदगी कभी नहीं आया ना? तो प्लीज़ मैं यहाँ के क्षेत्र के आला अधिकारियों से, क्षेत्र के विधायक से, क्षेत्र के सांसद से और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी पानी के लिए सुविधा की जाए और रोड के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद।